बड़ी खबर आ रही है गया से। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां सर्च ऑपरेशन में करीब 150 आईडी बम बरामद किया गया है। गया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सिलसिलेवार तरीके से आईडी को रखा गया था। एक बड़ा हादसा, एक बड़ी घटना घट सकती थी। इस तरह की कई घटनाएं अब तक घट भी चुकी हैं। चकरबंदा और मदनपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। सिलसिलेवार तरीके से बड़े प्लानिंग के तहत इसे रखा गया था, लेकिन पुलिस की सावधानी की वजह से एक बड़ी घटना होने से टली है। तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है सुरक्षा बलों ने। करीब 50 आईडी को बरामद किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर गया से आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से आईईडी को रखा गया था। चकरबंदा और मदनपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी कामयाबी लगी है गया में सुरक्षा बलों को। ऑपरेशन कर करीब 150 आईईडी को बरामद किया गया। तो ये आईडी कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, जिस तरह से प्लानिंग के तहत इसे रखा गया था, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती की वजह से, उनकी सतर्कता की वजह से एक बड़ा घटना, एक बड़ा हादसा होने से चला है। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है, करीब 150 आईईडी ने बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। करीब 150 आईईडी को बरामद किया है। लेकिन पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा है। तो ये तस्वीर गया की हम आपको दिखा रहे हैं, जो बरामद 150 आईईडी है उसकी तस्वीर। चकरबंदा और मदनपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की बात करेंगे। बिहार विधानसभा का शताब्दी समापन समारोह है कल यानी मंगलवार को, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं। पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव होगा। यदि आप निकल रहे हैं सड़कों पर तो आपको इसके बारे में जानकारी ले लेनी होगी, क्योंकि कल पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बदलाव हुआ है। यदि आप